हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों से अपना इवनिंग से लेकर नाइट तक का जो रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो अभी फ़िलहाल जो है, जो दिवाली में डेकोरेशंस किए थे सारे मैंने, वो निकाल रही हूँ। तो निकाले नहीं थे मैंने, तो डेकोरेशन करने में तो एक्साइटमेंट रहता है तो वो कर लेती हूँ, बट बस उसको निकालने के लिए आप समझ लीजिए कंठाला आ रहा था तो रह गया था, तो बस उसको ही निकाल के मैं रख रही हूँ। तो सारे जो डेकोरेशंस है ना, उनको मैं बॉक्सेस में रख दूंगी बंद करके। तो बस सारे डेकोरेशंस निकाल लिए हैं मैंने। बाहर मेन डोर पे जो तोरण लगाया था उसे भी निकाल लिया है। तो सारे डेकोरेशंस को मैं बॉक्सेस में करके अच्छे से रख दूंगी, और अब ये बॉक्सेस जो है नेक्स्ट ईयर ही निकलेंगे बाहर। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी है इवनिंग स्नैक्स का टाइम। तो स्नैक्स कुछ प्रिपेयर करने से पहले जो है, मैं यहाँ पे जो दोपहर के बर्तन थे वॉश करके रखे हुए थे, तो उनको उनकी जगह पे लगा दे रही हूँ। उसके बाद मैं जो है स्नैक्स बनाऊँगी। तो घी ख़त्म हो गया था, तो मैंने दोपहर में घी बनाया था, तो उसे भी उसकी जगह पे रख दूंगी बर्नी में। तो यहाँ पे घी जो है ना थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो उसे रखने में दिक्कत आ रही है, यहाँ वहाँ लग रहा है, गिर रहा है घी। थोड़ा लिक्विड रहता है तो उसको आराम से आप बर्नी में रख सकते हो। तो बस अभी आ गई हूँ मैं स्नैक्स बनाने के लिए। तो मेरा बेटा भी आ गया है किचन में, क्योंकि उसे जो है इवनिंग स्नैक्स में चिकन नगेट्स खाने थे, तो वो ज़िद कर रहा था उसे चिकन नगेट खाना है। तो मैं उसके लिए वही चिकन नगेट ही बना रही हूँ। तो जब भी कुछ उसके लिए स्पेशल बनाती हूँ तो वो आके किचन पे बैठ जाता है और देखता है, उसे अच्छा लगता है कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो वही वो आ गया है, काउंटर पर बैठ गया है। तो यहाँ पर मैं जो है ना चिकन नगेट उसके लिए फ्राई करूँगी। तो मैंने ये नगेट्स जो है ना पहले से ही बना के रखे थे, मैं एक्स्ट्रा ही बना के रखती हूँ, थोड़ा सा फ्रीज़ कर देती हूँ। तो ये फ्रोज़न वाले हैं, घर बने ही हैं, बट मैंने इनको पहले बना के पहले से फ्रीज किया हुआ है, तो बस मुझे इनको फ्राई ही करना है। तो बस यहाँ पे मैं चिकन नगेट्स जो है उसके लिए फ्राई कर दूंगी। तो यहाँ पे ईशान अपना जो है चिकन नगेट्स एंजॉय कर रहा है, उसे चिकन नगेट्स बहुत पसंद है। तो मैं एक्स्ट्रा ही बना के रखती हूँ फ्रीज़र में, कभी भी वो बोलता है तो मैं इसे फ्राई करके दे देती हूँ। तो और हम लोगों के लिए जो है स्नैक्स में मैं कुछ कुक नहीं करूँगी, बस ये दिवाली के सब स्नैक्स रखे हुए हैं तो हम लोग वही खा लेंगे थोड़ा। तो स्नैक्स वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे, जो ट्रेडमिल है मेरा उसको थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है ना बहुत दिनों से यूज़ नहीं हुआ है।
तो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ धूल इसमें जो लग गई है उसको मैं क्लीन कर लूँगी। तो ट्रेडमिल का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ क्योंकि हम लोग बाहर ही वॉक करने के लिए चले जाते थे मोस्टली, तो ट्रेडमिल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्योंकि समर के टाइम पे क्या है, ज़्यादा टाइम तक बाहर उजाला रहता है तो आप आराम से वॉक करने के लिए जा सकते हो। और अभी जो है यहाँ पर ठंड आ चुकी है, दिन जल्दी जो है ढल जाता है, अंधेरा हो जाता है और ठंडा भी रहता है मेन, तो आप बाहर डेली जाके वॉक नहीं कर सकते हो, तो आप ट्रेडमिल पर ही वॉक करना पड़ेगा। और मैंने बहुत दिनों से जो है वॉक भी नहीं की है, तो आज बस मैंने सोचा कि इसको क्लीन करके आज से ही मैं अपना जो है डेली वॉक करना इस पे स्टार्ट करूँगी। तो बस थोड़ा टाइम वॉक वगैरह करके थोड़ा सा रेस्ट लिया मैंने, और अभी मैं आ गई हूँ किचन में जो है डिनर बनाने के लिए। तो मैंने सोचा तो है कि मैं डेली जो है वॉक करूँगी ट्रेडमिल पे, एटलीस्ट आधे घंटे के लिए ही करूँ, बट करूँगी, बट देखते हैं कितना दिन वो मेरा चल पाता है, मैं कर पाती हूँ। तो फिलहाल जो है अभी मैं आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए। तो पहले जो ऑयल है चिकन नगेट्स का, उसको मैंने अलग से निकाल के एक कप में रख दिया है, और कढ़ाई को रख दिया है वॉश करने के लिए। और डिनर में जो है मैं सिर्फ दाल और राइस बनाऊंगी, और सुबह जो है मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी तो वो मेरे पास रखी हुई है ऑलरेडी, और आटा भी मैंने एक्स्ट्रा लगाया था तो मैंने आटा भी निकाल के रख दिया है कि फ्रिज में से बाहर। तो बस मैं रोटियां सेक लूँगी, और जब तक जो है मेरा दाल राइस कुक हो रहा है, यहाँ पर मेरा बेटा जो है कुछ कुछ ड्राॅइंग बना रहा है तो वो मुझे दिखा रहा है, तो मैं आके उसके पास ही बैठी हूँ। बाहर जो है ऑलमोस्ट अंधेरा होने ही वाला है, तो मैं सारे घर के जो ब्लाइंड्स है ना उनको बंद कर दूंगी। तो बस दाल जो है कुक हो गई है, राइस भी कुक हो गया है, तो बस मैं यहाँ पे जो दाल है ना उसमें तड़का लगा दूंगी। मीनवाइल जब तक मैं किचन में कुकिंग कर रही हूँ, तब तक यहाँ पे आप ईशान को देख सकते हो, उसकी मस्ती चल रही है, वो अपने डैडी के साथ जो है प्ले कर रहा है। एक्चुअली इवनिंग का यही टाइम होता है जब वो अपने डैडी के साथ प्ले करता है, तो ये उसके और उसके डैडी का प्ले टाइम है जब तक मैं कुकिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर फटाफट से जो है ना रोटियाँ भी सेक लूँगी, उसके बाद मैं ईशान को पहले डिनर कराऊँगी अपने बेटे को, उसके बाद फिर हम लोग अपना डिनर करेंगे। तो बस ईशान को डिनर करा दिया है और ये हम लोग का डिनर है। तो लेफ्ट ओवर जो सोयाबीन की सब्जी थी वो भी हम लोग ने ले ली है गरम करके। तो डिनर वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपना नाइट टाइम किचन क्लीनिंग करने के लिए। तो पहले जो सारे बर्तन हैं उनको मैं वॉश कर लूँगी। तो जब से मेरे बेटे का स्कूल स्टार्ट हुआ है तब से हम लोगों की कोशिश रहती है कि हम लोग 8:30 लेट से लेट 8:30 तक तो उसको खाना वगैरह खिला के उसको सुला दें, तो मैं उसके पहले ही अपना सब क्लीनिंग वगैरह निपटा लेती हूँ। क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है, मैं 6 बजे उठती हूँ और अपने बेटे को मैं 7 बजे तक उठा देती हूँ, तो उसकी अगर वो जल्दी सोएगा तो उसकी नींद अच्छे से पूरी हो जाती है, तो वो आराम से उठ जाता है, फिर उसको उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस इसीलिए हम लोग उसको जल्दी सुला देते हैं। तो बस बर्तन क्लीन करने के बाद मैं जो है यहाँ पे गैस, अपना गैस स्टोव है और काउंटर टॉप जो है उसको भी क्लीन कर लूँगी। और रात को जो है किचन क्लीन करके सोने से ना सुबह फिर उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के लिए ना इजी हो जाता है, वरना फिर रात को आप अगर क्लीनिंग नहीं करके सोएंगे तो सुबह किचन जो है मैसी रहती है, तो फिर उसमें काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता और आलस आ जाता है। तो बस रात को जो है मैं बेसिक सी क्लीनिंग तो करके ही सोती हूँ अपने किचन की। तो काउंटर वगैरह क्लीन करने के बाद जो है मैं नीचे किचन के फ्लोर पे जो है वैक्यूम कर रही हूँ। तो मेरे पूरे घर में जो है किचन का ही एरिया ऐसा है जहाँ पे नीचे फ्लोर पे जो है कारपेट नहीं है,
तो यहाँ पे जो है ना, मैं दिन में मतलब एक बार तो एटलीस्ट रात को तो नीचे पोछा लगा लेती हूँ। दिन में मैं नहीं लगाती हूँ, बट रात में सोने से पहले एक बार इसमें पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि आप कितना भी वैक्यूम वगैरह कर लो तो थोड़े बहुत कचरा जो है यहाँ वहाँ रह ही जाता है, तो मैं एक बार पोछा लगा लेती हूँ। तो बस पोछा वगैरह लगा लिया है मैंने। तो सारी किचन जो है मेरी क्लीन हो गई है, बिल्कुल सुबह के लिए रेडी है। तो सारा किचन का काम तो हो गया है मेरा, बस एक लास्ट काम है किचन में, मुझे सुबह के लिए जो है बादाम भिगाने हैं, तो मैं वो भी भिगा दूंगी। तो अभी जो है मैं थोड़ी सी लिविंग रूम की क्लीनिंग करूंगी, तो मेरे बेटे के जो टॉयज़ हैं ना, बस मैं उनको ही समेटूंगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, बस जो टॉयज़ मेरे बेटे ने खेल के यहाँ वहाँ फैलाए हैं तो उनको मैं एक जगह पे रख दूंगी। मैं वैक्यूम वगैरह नहीं करती हूँ, सब दिन में ही मैं क्लीन करती हूँ, बट रात को उसने खेल के जो पूरे घर में टॉयज़ फैला दिए हैं ना, उनको ही मैं समेट के रख दूंगी। और जब तक मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ, तो बेटे को हस्बैंड जो है बेडरूम में ले गए हैं, और वहाँ पे उसको बुक वगैरह रीड करा रहे हैं, स्टोरी बुक वगैरह। तो तब तक मैं यहाँ पे फटाफट से क्लीनिंग कर लूँगी। तो बस यहाँ पे सारा लिविंग रूम जो है क्लीन हो गया है, सारे टॉयज़ मैंने हटा दिए हैं। तो आपको टेबल पे कुछ टॉयज़ दिख रहे होंगे, जो कि मेरे बेटे ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है कि मैं उसे ना हटाऊं। उसने कुछ सिटी वगैरह बनाई है, तो मैं उसको जो है सुबह क्लीन करूँगी, अभी मैं नहीं क्लीन कर रही हूँ। तो बस अभी टाइम हो गया है 9:15, और मेरा सारा काम जो है वो हो गया है, किचन भी क्लीन हो गई है, लिविंग रूम भी क्लीन हो गया है। तो आज जो है थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि वीडियो बनाते वक्त ना थोड़ा रिकॉर्ड वगैरह करने के उसमें ना लेट हो जाता है, तो बस नहीं तो हम लोग 8:30 तक तो मेरा काम हो ही जाता है। तो बस आज की वीडियो में यहीं तक, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।